जब थे डाकू तो थे रंगबाज, अब बन गए शरीफ तो कोई नहीं सुन रहा फरियाद। ऐसा कहना है दस्यु सुंदरी सीमा यादव का। उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर देहात में बीते दिनों जेल से छूटकर आई दस्यु सुंदरी सीमा यादव का कहना है कि जब वो डाकू थी तो उसका बोलवाला था, अब जब वह शराफत की जिंदगी जीना चाहती है तो कोई उसका साथ नहीं देता, ना ही कोई अधिकारी सुनता है और ना ही कोई पुलिसकर्मी सुनता है। सीमा का कहना है कि जैसे पहले थी वही दौर अच्छा था। सीमा यादव का कहना है कि कुछ समय पहले उसको साजिश करके झूठे मुकदमे में फंसवा कर जेल भेज दिया गया था। उसके बाद सीमा ने 2 से 2.5 साल जेल काटने के बाद सीमा अब बीते दिनों बाहर आई और अपना दुखड़ा मीडिया के सामने रोते हुए कहने लगी कि जब हम डाकू थे तो सब मौज और मस्ती में था, अब जब शरीफ होकर अपना जीवन गुजारना चाहते हैं तो हमको कुछ राजनीतिक लोगों द्वारा साजिश कर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। तो कभी हमारे साथ कुछ लोग हमारे घर आकर दबंगई और अभद्र सलूक करने लगते हैं। सीमा का कहना है कि हम जाएं तो कहां जाएं, कोई नहीं सुनता हमारी फरियाद। साथ ही आपको बताते चलें कि सीमा ने अब पुलिस अधीक्षक से मिलकर उनको प्रार्थना पत्र देने का फैसला किया है। सीमा यादव, सीमा जी क्या दिक्कतें आ रही, क्यों परेशान इन दिनों आप? परेशान क्या, इस टाइम कुछ सत्ता वाले लोग हैं जो हमको सता रहे हैं और प्रशासन मेरी सुन नहीं रहा है, इसलिए तंग आ रहे हैं। अच्छा, क्या किसी अधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है? अभी तो नहीं लगाई है, अभी छूटने के बाद हमें यहाँ रहने नहीं दिया गया था, अभी यहाँ हम आए हैं अकबरपुर में, तो अब हम अधिकारियों से प्रार्थना पत्र अपना देना चाहते हैं और उनसे गुहार लगाना चाहते हैं। किस मामले को लेकर जेल गई थी आप? ये मामला तो कुछ नहीं था, ना मैंने कुछ किया था, और अपनी बच्ची को लेकर रहते थे आराम से और पढ़ाई लिखाई उसकी करवा रहे थे। उसी बीच में क्या नाम है, हमको कुछ सप्ताह वाले लोगों ने मडल लगा के अंदर करवा दिया। कैसा लग रहा है कि आएंगे अंदर आप? 2.5 साल। अच्छा, इन दोनों जो परेशान कर रहे कौन लोग हैं, किस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं? वो वर्तमान सप्ताह है जिससे ताल्लुकात रखते हैं। बीते समय में आप क्या थी? बीते समय में तो मजबूरी में बनाए गए थे, पर अब वो समय थोड़ा नहीं है, अब तो हम अपनी समाज सेवा कर रहे हैं और अपने बच्चों को रख रहे हैं और अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। पुराना दौर था तो शायद हमें कभी कभी लगता है कि वो सही था जी, क्योंकि जब इतना सताया नहीं जाता था हमको, ना कोई इतने उसमें रखता था, अब तो पल पल पे क्या नाम है कांटे बोए जा रहे हैं और उसके बाद कोई जीने नहीं दे रहा है, ना प्रशासन साथ देता है, ना सरकारें साथ दे रही हैं, ना कोई दे रहा है, एकदम अकेले से पड़े हुए हैं और उसके बाद भी क्या नाम अच्छे से रहने भी नहीं दिए जा रहे हैं। अच्छी ज़िंदगी क्या है, अच्छी ज़िंदगी इसे कोई अच्छी ज़िंदगी थोड़ो नहीं कहा जा सकता है। अब आप क्या करना है, करेंगे आगे? अब आगे अभी तो प्रशासन से गुहार करेंगे और सरकार से गुहार करेंगे, अगर ये लोग थोड़ा बहुत सपोर्ट देते हैं तो बढ़िया जीवन जियेंगे, इन्हीं लोगों के सहारे से जी रहे हैं जी। गलत तो कर ही नहीं रहे, 2005 से जब से हाजिर हुए हैं तब से मैंने गलत तो सब कुछ छोड़ ही दिया था, फिर भी ये लोग सताते हैं, क्या करें। कहने का मतलब जो पुराना दौर था डाकू दौर वो सही था, अब जो अच्छी ज़िंदगी जीना चाह रही हैं तो जो अधिकारी हैं आपका कोई साथ नहीं दे रहा। हाँ, वो इसलिए सही था वो जीवन जी, क्योंकि उस टाइम क्या नाम है हमको कोई ऐसे सताता दबाता नहीं था और मैं अपनी मर्जी की मालिक थी जी, और मेरे पास आगे पीछे बच्चे भी नहीं थे जी। और आज की डेट में जब कुछ अधिकारियों ने कुछ कानूनी मतलब जैसे कि मजिस्ट्रेट थे और अधिकारी थे और सरकारें थी, उन्होंने कहा कि अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छा रास्ता अपनाना पड़ेगा, तो अच्छा रास्ता उन लोगों के कहने से मैंने अपना तो लिया, पर ये लोग मुझे रहने कहाँ दे रहे हैं अच्छे से, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इस जीवन से तो वही सही था। अच्छा, अभी आपके द्वारा ये बताया गया कि आपके घर के ताले वगैरह टूट गए हैं। हाँ, और कुछ अभद्रता जो मकान के ताले टूटे गए हैं, और कल कोई एक आदमी भेजा था, हरिश्चंद दुबे हैं, रिटायर लेखपाल हैं जी, उन्होंने कोई आदमी भेजा था और धक्का मुक्की करके गया है। अब ये बताओ, एक महिला के साथ अगर ऐसे धक्का मुक्की है, ऐसे अत्याचार होगा तो वो कैसे रह पाएगी अपने बच्चों को लेकर, कैसे अच्छा जीवन जी पाएगी जी। तो अब आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे? अब आगे के लिए मैं प्रशासन से गुहार लगाऊंगी और कप्तान साहब से चाहती हूँ कि उनको एक प्रार्थना पत्र दूंगी जी जी, और उन्हीं से अपनी अपेक्षा रखूंगी कि ये परेशानी आ रही है, अब देखो वो क्या करते हैं, अभी तक तो किसी प्रशासन ने मेरा साथ दिया नहीं है।